तो हेलो एवरीवन, हियर इज नमन एंड वेलकम टू टुडेज ब्लॉग। तो देखो, आज की जर्नी जो होने वाली है वो होने वाली है इंदौर टू मुंबई के लिए। हम जाने वाले हैं इंदौर से मुंबई, घर पे कल्याण जाने वाले हैं। तो ट्रेन की जर्नी तो आपको पता है, फिलहाल दुरंतो एक्सप्रेस में हमारी टिकट कन्फर्मेशन नहीं हुई थी, तो फिलहाल हमने निकाली है एक नॉर्मल बस की टिकट। नॉर्मल नहीं, बस की एसी स्लीपर 2+1 ऐसी कोई बस है। अब हम जाके देखते हैं उसमें क्या फैसिलिटी मिलती है इंदौर टू मुंबई। और ये है मेरी फर्स्ट सोलो जर्नी, कि जो मैंने ट्रेन की फर्स्ट सोलो जर्नी निकाली थी, मतलब मम्मी डैडी ना बीच में आ गए थे, ग्वालियर से बैठ गए थे। बट ये जो जर्नी है ना गाइस, ये जर्नी होने वाली है एकदम सोलो जर्नी फ्रॉम इंदौर टू मुंबई। हमने ट्रैवल्स की और नाम भी भूल गया मैं यार, इतना भुलक्कड़ कौन हो सकता है, RTS समथिंग कुछ आगे बताता हूँ मैं। तो फिलहाल अभी हम घर से निकलते हैं, अभी हम लोग घर से जस्ट निकल रहे हैं। 8:30 का हमारा कुछ बोर्डिंग पॉइंट है राजेंद्र नगर से, तो फटाफट राजेंद्र नगर पहुँचते हैं एंड देन फिर आपसे बात करते हैं बस के बारे में। तो सब चीज़ होने वाली है वीडियो में, बस के स्टॉपेज कितने होते हैं, कितना ब्रेक्स मिलता है आपको वॉशरूम, और अब हम वहाँ पर जाके पोहा खा के देन ट्रेन में बैठ जाएंगे। मतलब ट्रेन क्यों याद आ रही बार बार, बस में बैठ जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं, बाय। ना मस्त, देखो एकदम नेचरों के बीच में रह रहा हूँ मैं, ऐसा लग रहा है मुझे एकदम, बस बढ़िया लग रहा है बॉस। ये देखो एकदम पीसफुल, यहाँ पे भी रोड्स है एकदम, बोलते ना तो बस एकदम है ना, मज़ा आ गया बोलते। मैं तो इतना बोल रही थी क्योंकि एकदम नेचरों के बीच में रह रहा हूँ इंदौर ना भाई। मैं बोल रहा हूँ ना, सिर्फ 2 दिन रुका हूँ मैं, काम से आया था, वो काम हो गया, बस 2 दिन में मुझे बहुत मज़ा आ गया। एक तो प्रांशु को छोड़ दिया, प्रांशु के जिस घर पर रुका था मैं भाई, जस्ट सुपर। इतना बोलते ना, इतना शांति है ना यहाँ पे, वो पीस बोलते ना, मज़ा आ गया लिटरली। तो फटाफट अभी निकलते वरना अपन लेट हो जाएगी, बस भी छूट जाएगी, वरना अपन को जल्दी फटाफट कल्याण पहुँचे। तो गाइस फटाफट अपना सामान रखते, ये और ये अपने फ़ोन्स दोनों चार्ज हो चुके हैं। ये रहा अपना गोप्रो, गोप्रो भी चार्ज है, ये भी रेडी हो गया, ये भी रेडी। चलो मिलते हैं, तैयारी, बाय। क्या बोलो? श्री शिवाय शिवाय नमस्तु भयम। और पंडित जी बस इतना ही? चलो गाइस, चलो जय श्री राम। गणपति अप्पा मोरिया, अपनी ट्रिप हो गई है चालू। टाइम हो रहा है 6:38। अपन अपने ऊबर वाले अंकल गैस भरा रहे और अभी अपन फटाफट चलते हैं। 8:09 हो रहा है, 8:30 की बस है अपनी। चलो मिलते हैं, बाय। थैंक यू भैया। गाइस ये दोनों बस ही रॉयल स्टार के डिकार्टी बस। तो गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं दूधी, इंदौर से 100 किलोमीटर आगे। अब इंदौर टू मुंबई जा रहे हैं, बट बोलते हैं ना, पहली वाली जो बस थी ना मेरी, वो बहुत कंफर्टेबल थी,
ये भी कंफर्टेबल है बट ठीक ठाक है। एक तो लास्ट सीट है और ऊपर से ना मेरी सिंगल सीट है, तो प्रॉब्लम टाइप मेरे को थोड़ा फील हो रहा है क्योंकि मैं बस में ना फर्स्ट टाइम, बोलते हैं ना आप सेकंड टाइम मेरा ट्रैवल कर रहा हूँ, बट फिर भी इट्स ओके। और बोलते हैं ना थोड़ा प्रॉब्लम सा लग रहा है, बट ठीक है चलता है। अब क्या कर रही है, देखो ये रही अपनी बस, प्राइमो की है, प्राइमो पता नहीं मेरे को क्या है, बट ठीक है थोड़ा कुछ लेते हैं। अब क्या करूँ मेरे को साउंड में नहीं आ रहा, पोहा खाते हैं और फिर अंदर चलते हैं अपन। चलो गाइस अभी हम लोग पास कर रहे हैं टोल, कैसा तो पता नहीं बट बोलते हैं ना मेरा तबीयत ना थोड़ा बिगड़ते जा रहा है। ये देखो टोल पास कर दिया, सो गाइस इट्स समथिंग 11:50 और अभी अपन चलते सोने के लिए। तो डे वन खत्म होता है अपना बस जर्नी का फ्रॉम इंदौर टू मुंबई, RTS ट्रैवल रॉयल स्टार में ख़त्म। अब मिलेंगे नेक्स्ट मॉर्निंग। ये देखो व्यूज आ रहे हैं ना, बट बोलते हैं ना बट मेरी थोड़ी तबीयत डाउन है तो इसलिए मैं व्लॉग नहीं कर रहा हूँ। मिलते हैं कल मॉर्निंग में कसारा घाट्स के साथ, व्यूज के साथ। ओके कंफर्टेबिलिटी की बात करूँ तो देखो कंफर्ट जोन मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है। देखो मैं ना ही बैठ सकता हूँ देखो ऐसे, तो भाई अपन कितनी देर लेटे रहेंगे, तो इट्स ओके। अभी इतना स्टॉप कुछ आने वाला है, अभी हम लोग पास कर रहे हैं कसारा। कैसे उतर रहे अपन, मेरा अपना बैग आ चुका है, मेरी अपनी बस जो कि एकदम अनकंफर्टेबल थी। अभी अपन शूज़ पहनते हैं। तो गाइस ये बस थी अपने कुछ, और अभी अपन पहुंच चुके हैं कल्याण बाईपास। तो गाइस अपनी कैब बुक हुई है, अभी बस कैब आ रही है, फिर अपन चलते हैं घर पे। और ये रहा अपना बैग, शूज़ भी नहीं पहनने दे रहा था। तो अपन पहुँच चुके हैं अभी कल्याण बाईपास पे, और चलो तो गाइस अभी अपन पहुंच चुके हैं अभी कल्याण बाईपास पे, और ये जर्नी अपनी ख़त्म होती है यहीं पे एंड। भाई मैं तो बोल रहा हूँ ना, इतनी अनकंफर्टेबल जर्नी गई है ना ये, आज तक कोई भी जर्नी इतनी अनकंफर्टेबल नहीं गई। तो फटाफट अभी अपनी कैब बुक करी है, कैब आती है फिर अपन चलते हैं घर पे। फाइनली घर पे पहुँच चुके हैं अपन, तो चलो कैब पे बैठते फिर बात करते। तो गाइस ये रही अपनी कैब आ चुकी है, आगे अपना सामान ये कुछ, और ये है हमारे आज के ऊबर वाले भैया। तो गाइस अपनी जर्नी
हो चुकी है कंप्लीट। अब मैं बात करूँ ना जर्नी की, तो बहुत ही अनकंफर्टेबल जर्नी थी, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया मुझे, बट ठीक है फिलहाल अपन पहुँच चुके हैं। वीडियो को यहीं एंड करते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गिव अ थम्स अप और जरूरी आप सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन के। कल्याण पहुँच चुके फाइनली भाई। चलो मिलते हैं, बाय।